हाय, मैं हूँ संजीवनी। आज मैं इस फैशन डिजाइनिंग कोर्स में सबसे पहला स्टेप ले रही हूँ, जो कि बेसिक स्टेप है। तो आज हम कुछ इम्पोर्टेंट चीजें जानेंगे कि हम लोग बेसिक में क्या क्या आता है। तो मेरा आज का टॉपिक है इंट्रोडक्शन ऑफ फैशन डिजाइन। ये है मेरा इंट्रोडक्शन ऑफ फैशन डिजाइन। अब इसमें इंट्रोडक्शन ऑफ फैशन डिजाइन में बहुत सारी चीजें दो होती हैं। पहला होता है एलिमेंट्स ऑफ डिजाइन, दूसरा है प्रिंसिपल ऑफ डिजाइन। जो भी डिजाइनर है वो अपने एक्सप्रेशंस को एक गारमेंट में कैसे दिखाता है, कोई मुझे बता सकता है? किसी के पास है आंसर? चलो वो आंसर मैं बताती हूँ। एलिमेंट्स ऑफ डिजाइन के थ्रू, प्रिंसिपल ऑफ डिजाइन के थ्रू। एलिमेंट्स ऑफ डिजाइन के थ्रू और प्रिंसिपल ऑफ डिजाइन के थ्रू। ठीक, अब बात करते हैं कि एलिमेंट्स ऑफ डिजाइन में और प्रिंसिपल ऑफ डिजाइन में क्या क्या आता है। सबसे पहले बात हम ये करते हैं, देखो जो फैशन डिजाइन में एलिमेंट्स होते हैं, जो बेसिक एलिमेंट्स होते हैं जिससे पूरी एक गारमेंट रेडी होती है, वो कहलाता है एलिमेंट्स ऑफ डिजाइन। क्या क्या होती है कोई मुझे बता सकता है? तो सबसे पहला पॉइंट होता है हमारा एलिमेंट्स ऑफ डिजाइन में लाइन। दूसरा होता है कलर, मैं COLOUR नहीं लिख रही हूँ, COLOR लिख रही हूँ, ठीक है ना। उसके बाद आता है टेक्सचर, ठीक, लाइन, कलर, टेक्सचर आता है। और भी बहुत सारी चीजें आती हैं। प्रिंसिपल ऑफ डिजाइन में क्या क्या आता है मुझे कोई बता सकता है? प्रिंसिपल ऑफ डिजाइन में आता है बैलेंस, रिदम, एम्फेसिस, हार्मनी और यूनिटी, प्रोपोर्शन। ये पांच होते हैं प्रिंसिपल ऑफ डिजाइन जिससे कि बनते हैं एक पूरी एक एक पूरी ड्रेस बनके रेडी होती है। ये सब चीजें सब कुछ मिला के एक ड्रेस को बनाती है एक डिजाइनर, जो अपने थॉट्स को डालता है, ठीक, जो भी उसके मन में एक्सप्रेशंस होते हैं, जो एक गारमेंट में दिखाना चाहता है, वो ये दोनों चीजें होती है। ये दोनों मेन होते हैं। अगर ये दोनों चीजें नहीं हुई किसी भी गारमेंट में, तो वो आपका गारमेंट नहीं कहलाएगा। समझ रहे ना बात? अगर ये दोनों चीज नहीं हुई तो वो गारमेंट नहीं होगी। इन सबको मैं धीरे धीरे एक्सप्लेन करती जाऊंगी आप सबके सामने, ठीक है। लाइन, कलर, टेक्सचर और भी बहुत सारी चीज होती है, ओके। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि इसमें और भी चीजें थी, जैसे लाइन, कलर, टेक्सचर, मैंने बताया तो और भी चीजें थी, वो थी शेप और फॉर्म, ठीक है ना। तो ये चीज हो गई इंट्रोडक्शन, ये हमारा बेसिक इंट्रोडक्शन होता है। तो हम लोग एलिमेंट्स ऑफ डिजाइन में भी बात करेंगे, प्रिंसिपल ऑफ डिजाइन में बात करेंगे,
एक एक को डीपली समझ के कि हम लोग कैसे लगाते हैं, कैसे जैसे एम्फेसिस कैसे लगाते हैं, टेक्सचर कैसे यूज करते हैं, कलर कैसे यूज करते हैं एक गार्मेंट में, तो ये सारी चीज होती हैं। तो मेरे साथ प्लीज बने रहना इस जर्नी में ताकि मैं आप लोगों को बहुत सारी चीजें सिखा सकूं। तो बाय एंड थैंक यू।